हाई फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस बॉय कॉल्ड राहुल। राहुल एक ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा साल बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, एवरी सिंगल डे 4 to 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी सेशंस करता है, बट उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये है कि जब भी वो एग्जाम के अंदर जाता है और एग्जाम लिखने लगता है तो उसे लगता है कि वो सब भूल गया है। ऐसा क्यों होता है उसके साथ? So I got this request from one of the subscriber and here is the answer for that problem. So in case aapki bhi exactly same problem hai ki A, aapse dates yaad nahi hoti, B, aap exam mein bhool jate ho jo bhi aapne yaad kiya hai, ya C, aap exam mein utni jaldi cheezon ko complete nahi kar pate hain, then is video ke andar itne amazing hacks hain jo aapko bahut zyada help karne wale hain apne exams ke andar better score karne ke liye. So let's begin with the video and see these interesting and powerful study hacks. Let's begin. So, आपको क्या करना है? Whenever you're starting to revise, take this sheet. तो जैसे जैसे आप एक पैराग्राफ को देखते हैं एंड यू थिंक कि उस पैराग्राफ में क्या है, इन वन लाइन जस्ट राइट डाउन द समरी, मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट डाउन वन लाइन इन समरी। तो अगर आप अपने पूरे टॉपिक को 3 to 4 लाइंस के अंदर कंप्लीट करके लिख सकते हैं इस तरह से, देन यू नो वॉट इज देयर इन द बुक एंड दैट इज वॉट आई कॉल अ गुड वे ऑफ रिविजन। माइंड मैप आपको कब बनाना है? जब आपने पूरा पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद आप अपनी बुक को बंद करेंगे, माइंड मैप बनाने के लिए आप मेन आइडिया को बीच में रखेंगे एंड उसके साथ कनेक्टिंग आइडियाज को आगे ब्रांच आउट कर देंगे। नाउ कनेक्टिंग आइडियाज के अंदर भी अगर जो छोटी छोटी ब्रांचेस है उसको भी आप इस टाइम पे फॉलो करेंगे। नाउ ऐसा करने से क्या होता है, आप एक पूरे चैप्टर का एक जिस्ट बना रहे हैं, आप अपने माइंड के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से रख रहे हैं ताकि एग्जाम टाइम में अगर किसी भी बारे में, किसी भी सब टॉपिक के बारे में पूछा जाए तो यू एग्जैक्टली नो What do you have to write in this? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है जो सबसे ज्यादा वर्क करती है जब बहुत कम टाइम रह गया है और एग्जाम के अंदर आपको बहुत सारा प्रिपेयर करना है। तो कैसे करना है आपको? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चैप्टर पिक किया, चैप्टर को पिक करते टाइम आप उसके ऊपर एक डेडलाइन सेट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे एक डेडलाइन, 1 hour, 1.5 hours, whatever the deadline you think is टाइट डेडलाइन। ओके, आपको बहुत लिबरल नहीं होना है डेडलाइन देने में। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा ये चैप्टर एंड आई सेड कि मुझे इस चैप्टर को 1 hour के अंदर कंप्लीट करना है, सो राइट डाउन 1 hour ऑन द टॉप ऑफ द चैप्टर एंड स्टार्ट स्टडिंग। इस टाइम पे आपका टाइमर ऑन होना चाहिए एंड दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट स्टडिंग। नाउ व्हेन यू हैव प्रिडिक्टेड, नाउ यू हैव टू पुट योरसेल्फ अंडर प्रेशर टू कंप्लीट दिस। एंड लेट मी टेल यू, हमारा माइंड बहुत स्मार्ट होता है। अगर आप अपने माइंड को प्रेशर देंगे और बोलेंगे कि ये 1 to 1.5 hour में कंप्लीट ऑफ करना है, तो आपका माइंड वो एग्जैक्टली 1.5 hour में कंप्लीट करके दिखाएगा। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर यू विल नॉट इंडल्ज इन एनी ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस लाइक फोन, वीडियो गेम्स और एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, सो ट्राई दिस आउट, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। तो ब्लर्टिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ाई करी है, पढ़ाई करने के बाद आप बुक को बंद करेंगे, बुक को बंद करने के बाद आप एक पेपर लेंगे और पेपर के अंदर लिखेंगे जो भी आपको समझ आया है। नाउ ऐसा करने के बाद अब आप बुक को दोबारा खोलेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स है। नाउ दूसरे पेन से, डिफरेंट कलर पेन से, आप अपनी मिस्टेक्स को उसी पेपर के अंदर नीचे लिख लेंगे। नाउ इस प्रोसेस को अगर आपको ऐसे लगता है कि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, तो आप दोबारा ब्लर्टिंग आउट करेंगे जिसके अंदर आप दोबारा उस चीज को राइट आउट करेंगे। ऐसा करने से आप परफेक्टली राइट आंसर लिख पाएंगे अपने एग्जाम के टाइम पे। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप एवरी सिंगल डे सेम चैप्टर एलोकेट करेंगे एक दूसरे को। नाउ एट नाइट आप क्विज प्रिपेयर करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड एंड देन यू विल कॉल देम एंड क्विज देम ऑन द चैप्टर। ऑलराइट, सो ऐसा करने से द अदर पर्सन विल ऑल्सो प्रिपेयर वेल बिकॉज दे वॉन्ट टू स्कोर बेटर इन द क्विज। तो अगर आपने पढ़ाई करी है, तो पढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो कि मैंने जो भी पढ़ाई करा है मुझे याद है कि नहीं याद है, तो अपने मोबाइल फोन में जाइए, वीडियो को ऑन करिए एंड अपने आप को रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने के बाद अपनी आवाज को सुनेंगे और दोबारा चेक करेंगे चैप्टर को और आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलती करी कहाँ कहाँ है। Now, 5 boxes method एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ टेक्निक कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन।
तो क्या होता है कि अगर हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को बार बार रिवाइज ना करें तो हम उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो उसके लिए वी हैव प्रिपेयर्ड दिस मेथड विच इज कॉल्ड 5-box मेथड। इसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट डेट, फॉर्मूला, डेफिनेशन इन सबको लर्न करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट को पिक करेंगे, सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स को पिक करेंगे, हर चैप्टर के अंदर से हम फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे ऑफ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम्पल और डेट्स। ऑलराइट, अब हम इन्हें बॉक्सेस के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हम इन्हें बॉक्सेस में रखेंगे और वन डे, मतलब वन डे के बाद आपको इनको देखना है। नाउ वंस यू हैव सीन इट आफ्टर वन डे एंड क्विज योरसेल्फ एंड आपको लगता है कि आप इसे अच्छे से इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, देन यू मूव दिस टू बॉक्स नंबर टू। बॉक्स नंबर टू होगा हमारा जिसको हम देखेंगे आफ्टर एवरी 3 days, ओके। एंड बॉक्स नंबर थर्ड होगा जिसको हम देखेंगे आफ्टर अ वीक। एंड बॉक्स नंबर फोर होगा जिसको हम देखेंगे वन डे बिफोर एग्जाम। एंड बॉक्स नंबर फाइव होगा जिसको हम देखेंगे एग्जाम डे पर। सो बेस्ड ऑन आपका कितना अच्छे से तैयारी हुई है, आप इन फ्लैश कार्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में मूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक टॉपिक जो आपको अच्छे से नहीं प्रिपेयर्ड है एंड आपको उसे एवरी सिंगल डे देखना ही देखना है, आप उसे बॉक्स वन में ही रखिए। पर अगर आपको लगता है एक टॉपिक के साथ कि ये आपको बहुत अच्छे से हो गया है बट आपको सिर्फ इसे एग्जाम से एक दिन पहले देखना है, तो आप इसे बॉक्स फोर के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसा करके आपको ये पता होगा कि आपको कौन से टॉपिक को कब पढ़ना है एंड आप उसे बार बार पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, बिकॉज ये फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में है, आप इसे इजीली पढ़ पाएंगे। तो क्या होता है कि कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें याद नहीं होती, हो सकता है वो कुछ ऐसे फॉर्मूला हो सकता है वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो, तो उस टाइम पे आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं एंड दैट इज एलोकेटिंग अ पिक्चर टू दैट। तो आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसके अंदर देर इज अ वॉर बिटवीन वन पर्सन एंड द अदर पर्सन, सो मेक देम इंडल्जिंग इन द वॉर एंड देन दैट इज हाउ यू विल मेक डिफरेंट पिक्चर्स। पिक्चर्स बनाने के बाद आप उसके अराउंड एक स्टोरी बना सकते हैं एंड उस स्टोरी को जब आप याद करेंगे एग्जाम के अंदर, तो आपको ये पूरा चैप्टर और चैप्टर के अंदर जिस चीज को समझाया गया है वो सब बहुत जल्दी याद आ जाएगा। सो द पॉइंट इज कि हर चीज को जो लंबे लंबे टेक्स्ट आपको नहीं याद हो रहे हैं तो उसको आप एसोसिएट कर सकते हैं एक पिक्चर के साथ एंड पिक्चर को आप याद करने की कोशिश करेंगे बिकॉज उसको याद करना आसान है। तो ये थे हमारे पावरफुल स्टडी टेक्निक्स। आई होप कि आप इन सारी टेक्निक्स को यूज करके देखेंगे एंड देखेंगे कि आपके लिए कौन सी वर्क करती है। ऑलराइट, सो विद दिस आई टेक योर लीव एंड आई होप आप इन टेक्निक्स को यूज करेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर टू स्कोर मच बेटर देन बिफोर। सो लीव मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि इनमें से कौन सी टेक्निक्स आप यूज करने वाले हैं। I'll see you super duper soon in my next video. Till then, take care of yourself and bye-bye.